हेलो एवरीबडी वेलकम टू एवरेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट बेटा टुडे वी विल डिस्कस क्लास ट्वेल्थ मैक्रो इकोनॉमिक्स ये जो हमारे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स की जो सीरीज चल रही है हम उसको ही आगे कंटिन्यू करेंगे तो चलो शुरू करते हैं अब बेटा हमने इसमें कंजम्पशन फंक्शन मार्जिनल प्रोपेंसरी टू कंज्यूम एवरेज प्रोपेंसरी टू कंज्यूम हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया अब बारी आती है सेविंग फंक्शन की तो ठीक है वो शुरू करते हैं अब सेविंग फंक्शन क्या है बेसिकली देखो जो आपकी इनकम है आप अपनी इनकम को क्या करोगे या उससे खर्चा कर लोगे मीन्स कुछ चीजें एक गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूमशन के लिए यूज करोगे या आप उसका पार्ट कुछ सेव करोगे इसके अलावा तो कुछ नहीं होता ना इनकम के यही दो तो पार्ट्स होते हैं इनकम हैज़ टू पार्ट्स इनकम कंज़म्पशन एंड सेविंग्स सो वाई इज इक्वल टू यू कैन से वाई को हम डिनोट करते हैं मतलब इनकम को डिनोट करते हैं हम कैपिटल वाई से सो कैपिटल वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस ये आप कर सकते हो यहाँ पे कैपिटल वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस मीन्स के जो हमारी इनकम है वो हमारी कंज़म्पशन और सेविंग्स के एडिशन होती है ठीक है एंड वेयर वाई स्टैंड फॉर कंजम्पन एंड एस स्टैंड फॉर सेविंग्स तो अब ये देखो इसका मतलब क्या है कि जो सेविंग फंक्शन है यहाँ पर यही लिखा हुआ सेविंग फंक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है अमाउंट ऑफ मनी दैट एन इंडिविजुअल चूजेज टू सेव एट अल इनकम गिवन लेवल ऑफ इनकम मतलब एक आपके पॉइंट पे आपके पास जो जितनी इनकम है उसमें से कितना ही इनकम आप सेव करोगे मीन्स ऑबियसली कंजम्पन के बाद में कितनी आप सेव करोगे वो देखना है हमने वो हमारा सेविंग फंक्शन बताता है सेविंग्स आर द अनकंज्यूम्ड पार्ट ऑफ द होल कंट्रीज इनकम ये जो मैंने चीज़ यहाँ पे बताई है ना दो पार्ट में डिवाइड है वही चीज़ है अनकंज्यूम्ड पार्ट ऑफ द होल कंट्रीज इनकम डैट गॉट जनरेटेड इन द फाइनेंशियल ईयर आपने क्योंकि एक साल की बात करेंगे एक फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं तो उस पार्ट उस साल में जो आपने इनकम का पोर्शन जो आपने कंज्यूम नहीं किया है मीन्स ये जो हमने नहीं किया है तो हमारे बच्चा कौन सा ये वाला दिस दिस इज अवर सेविंग्स ठीक है वेरियस फैक्टर्स डेट अफेक्ट द सेविंग फंक्शन आर अब अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन आ जाता है जैसे एम में आ सकता है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके कारण सेविंग फंक्शन के पर प्रभाव पड़ता है इम्पैक्ट होता है वो कौन कौन से हैं डिस्पोजेबल इनकम मीन्स जो आप इनकम हमारे पास अवेलेबल है आप खर्चा करने के लिए कंज्यूमर्स के पास इंटरेस्ट रेट्स इन्फ्लेशन एंड ऑफ़ फ्यूचर इनकम एंड प्राइजेस उसके डि से हमारी जो सेविंग्स से ऊपर फ़र्क पड़ता है सेविंग हमारी ज़्यादा होगी कम होगी अब हमारे को पता है फ्यूचर में आपकी जो कमिटीज़ की इनकम बढ़नी है गुड्स की इनकम बढ़नी है प्राइसेस बढ़ने हैं या कम होने या आपकी पर्सनल इनकम इंक्रीज हो रही सैलरी इंक्रीज़ हो रही है होनी है तो उस केस से अकॉर्डिंगली हमारा कंजम सेविंग्स के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है ठीक है अभी जो आपने पढ़ा है इससे क्या पता चल रहा है अब तक कि सेविंग फंक्शन किसके साथ रिलेट कर रहा है इनकम और सेविंग्स के साथ है ना अगर ज़्यादा इनकम होगी सेविंग्स ज़्यादा होंगी कम इनकम होगी कम सेविंग्स होंगी क्योंकि कंजम्पन तो आपकी होनी होनी है तो ये जो हम इकोनॉमिस्ट जो हैं जो सेविंग फंक्शन पूरा पढ़ लेते हैं समझ लेते हैं तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो ट्रेंड्स हैं गेन इन कंज्यूमर बिहेवियर की है और इंडिविजुअल्स कैन मेक डिसीजन अबाउट देयर ओन सेविंग बिहेवियर्स ये ये जो इकोनॉमिस्ट हैं इसे वो प्रोडिक्ट कर लेते हैं मैक्रो इकोनॉमिक बिहेवियर को जो आपके ट्रेंड्स होने हैं या आपके गेन्स, आपके कंज्यूमर बिहेवियर के कारण क्या आपको फ्यूचर में गेन हो सकता है या लॉस हो सकता है या इंडिविजुअल्स को ये डिसीजनस के लिए कि वो अपना सेविंग बिहेवियर किस तरह से करें सो so, इसका मतलब क्या है जो जो आपका सेविंग फंक्शन को पढ़ने से इकोनॉमिस्ट जो है मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स को भी देख सकते हैं जो आपके प्रोड्यूसर्स हैं जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो आपके कंज्यूमर बिहेवियर को देख के अपनी प्रॉफिट्स देख सकते हैं आगे हमारे कैसे प्रॉफिट्स होंगे तो उस अकॉर्डिंगली वो अपना प्लान कर सकते हैं और जो इंडिविजुअल लेवल पे भी वो करता है वो कैसे वो अपने सेविंग बिहेवियर्स देख सकते हैं सो so, इसका मतलब अगर आपको सेविंग फंक्शन पता चलता है उससे आपके देखो मतलब इकॉनमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका प्रोडक्शन हो जाती है मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स आपके जो प्रोड्यूसर लेवल से भी कंज्यूमर बिहेवियर आपको पता चलता है ये और जो इंडिविजुअल्स के लेवल से भी क्या आपको सेविंग फंक्शन पता चलता है तो ये चीज़ें बेटा आपको जो ये मतलब मैंने एक पॉइंट में आपको समराइज़ करके बताई है ये देखा जाए तो आपको सेविंग फंक्शन से के यूजेस हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इकोनॉमी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंडिविजुअल्स तो ये आपको इजी हो जाएगा आपको समझ आ जाएगा अगर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है एम वगैरह आते हैं तो आप ईजिली इनको रिलेट कर सकते हो ठीक है अब आती है यही जो सेविंग फंक्शन है मैंने ना आपको यहाँ पे सिर्फ आ, बना के दिखाया है ये आपका सेविंग फंक्शन है जो मैंने आपको सिंपली ड्रॉ करके दिखाया है जिसमें आपकी ये आपकी आ, एक्स एक्सेस पे इनकम है और वाई एक्सेस पे आपकी सेविंग्स से। है अब आपको जो डिटेलिंग है ना इसकी मतलब पूरी एक्सप्लेनेशन जो है इसकी वो आगे की आ, मैं इसी चैप्टर इसी में आगे जब सेविंग फंक्शन आगे एक्सप्लेन कर रही हूँ तब मैं आपको डायग्राम के साथ इसको समझा देती हूँ ठीक है अभी सिर्फ आप देख लो कि ये फंक्शन जो है वो ऐसा है अब इसको हम आगे एक्सप्लेन करते हैं ठीक है ये देखो आपको इजीली समझ आ जाए तो मैंने वही डायग्राम यहाँ पे दोबारा ड्रॉ किया है सेविंग फंक्शन जो है देखा जाए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एक्स एक्सेस पे हम क्या शो कर रहे हैं इनकम या जीडीपी जिसको हम वाई कैपिटल वाईज से डिनोट करते हैं और जो वाई एक्सेस पे हम क्या डिनोट कर रहे हैं सेविंग्स तो सेविंग्स को हमने कैपिटल एस से डिनोट किया जो मैंने आपको पहले लिख के भी दिखाया था कि वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस ठीक है वीयर वाई स्टैंड फॉर इनकम सी स्टैंड फॉर कंजम्पशन एंड एस स्टैंड फॉर सेविंग्स राइट अब ये जो है बेटा डायग्राम ये आप ध्यान से देखो वाई एक्सेस जो है वो नेगेटिव में भी जा रही है और वो पॉजिटिव भी है तो इन दोनों चीज़ों का आपको कुछ चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ इसलिए मैंने ये डायग्राम ऐसे बनाया ठीक है तो पहले हम इसको इसको देख के समझते हैं तो एस एस इज द सेविंग फंक्शन ये देखो एस एस क्या है ये वाला ये वाली जो लाइन है एस एस है ये वो सेविंग फंक्शन है अब ये देखो नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रही है राइट एस एस इज स्ट्रेट मूविंग स्ट्रेट लाइन मूविंग अपवर्ड ऊपर को जा रही है ना नीचे से ऊपर जा रही है क्योंकि ये यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रही है ना कहीं भी ऐसे चलती रहेगी आगे तो इसका मतलब इसलिए ये पता चल रहा है कि नीचे से ऊपर जा रही है ठीक है देन कम्स इट शोज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड सेविंग्स ये इनकम और सेविंग्स के बीच में आपका पॉजिटिव रिलेशनशिप शो कर रहा है पॉजिटिव पॉजिटिव रिलेशनशिप आपको कैसे पता चला है क्योंकि बेटा देखो ये सीधा ऊपर जा रहा है पॉजिटिवली वो नीचे कहीं नहीं जा रहा है ऊपर ही जा रहा है इट मीन्स देर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन द इनकम एंड सेविंग्स ओके बेटा बेकल अभी तक आपको समझ आ गया होगा चलो अब आगे देखते हैं अब देखो जब सेविंग ज़ीरो है सेविंग ज़ीरो कब होगी जब इनकम और सेविंग जब आपकी इनकम और आपकी जो ये सेविंग का पॉइंट है वो एक जगह टच होगा ज़ीरो पे तब वो आपकी ज़ीरो होगी ये देखो अभी एल पॉइंट ये है हमारा ये एक्स एक्सेस पे आ रहा है जहाँ पे हमारी इनकम जीरो है और वहाँ पे हमारी सेविंग्स भी जीरो है सो एस इज इक्वल टू ज़ीरो वेन वाई इज टू इट इज सिचुएशन वेन इनकम इज इक्वल टू कंज़म्पशन मतलब यहाँ पे कौन क्या होगा आपने यहाँ पे कंज़म्पशन ड्रॉ नहीं किया है अगर हम कंजम्पशन ड्रॉ करेंगे इसका मतलब यहाँ तक तो आपकी इनकम कंज्यूम ही हो रही है तो जहाँ तक कंज्यूम ही हो रही है वहाँ तक तो सेविंग की बात ही नहीं आएगी ठीक है ये पॉइंट कौन सा है जहाँ पे इनकम कंजम्पशन के बराबर आएगी और इसको हम ब्रेक इवन पॉइंट भी बोलते हैं सो यू कैन ऑल्सो से दिस इज अ ब्रेक इवन पॉइंट वेर इनकम इज इक्वल टू मतलब क्या है कि वहाँ तक हमारी जो है इनकम कंजम्पशन के बराबर तक वहाँ तक इनकम होनी चाहिए अगर उससे ज़्यादा होगी तो सेव हो जाएगी उससे कम होगी तो वो सेव नहीं होगी ठीक है अब ये देखो अब मतलब प्रायर टू इट मीन बैकवर्ड एरिया ये जो प्रायर टू इट है ना ये वाला ये वाला एरिया है जो दिस वन एस इज़ नेगेटिव ये जो हमारा ये वाला एरिया जो है ये देखो आपका ये एस नेगेटिव आ गया ये हमने इससे डिनोट किया हुआ है कि एस नेगेटिव है अब ये जो एस नेगेटिव है यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि आपकी इनकम इतनी तो होनी चाहिए ना अगर उसे कंजम्पशन के बराबर होनी चाहिए अगर आपकी कंजम्पशन से कम होगी इनकम तो आप यू हैव टू कंज्यूम नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ को अटेन करने के लिए एक्वायर करने के लिए आपको जो है बेशक आप अपनी सेविंग्स से पैसे निकाल के यूज़ करोगे पर आप कहीं ना कहीं से तो आप कंज्यूम कर कंजम्पशन करोगे सर्वाइवल के लिए सो so, उस केस में क्या होता है हमारी नेगेटिव सेविंग्स आ जाती हैं ठीक है ठीके? और अगर हमारा बियॉन्ड इट इसके उध पर ये वाला जो पोर्शन है हमारा ये वाला जो हमारा पोर्शन है ये कौन सा है ये हमारा जहाँ वो एरिया है जहाँ पे देखो इनकम से ज़्यादा हमारी हमारी इनकम कन्ज़म्पन से ज़्यादा हो रही है इनकम कन्जम्पन से ज़्यादा हो रही है यहाँ तक तो हमारी इनकम हो रही है ना कन्ज़म्पन से ज़्यादा है तो इतना एरिया क्या आ जाएगा वो हो जाएगा हमारा सेविंग्स के लिए ठीक है सो so, ये जो ट्राइंगल है एम एल के ये जो है हमारा ये हमारा पॉजिटिव जो सेविंग्स आ जाएंगी ये पॉजिटिव है और जो शो करता है यहाँ पे हम सेविंग्स कर रहे हैं ठीक है बेटा सो दिस इज ऑल अबाउट टू वीडियो इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी यू आर मोस्ट वेलकम टू गिव योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग